आईपीएल 2018 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ियों को खरीदा था, लेकिन इस बार की मिनी ऑक्शन से पहले बहुत सारे खिलाड़ी राजस्थान की टीम रिलीज करने वाली है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूं जो कि रिलीज हो सकते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के द्वारा। तो अंत तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आप भी आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आईपीएल के जबरे वाले फैन है मेरी तरह, तो वीडियो को यहाँ कहीं से लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहले खिलाड़ी जो कि बहुत बड़ा नाम थे 2018 के आईपीएल में रिलीज होने वाले हैं, वो है बेन स्टोक। 12.5 करोड़ रुपए दिए थे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बेन स्टोक को, लेकिन बेन स्टोक किसी भी तरह से इतनी रकम को जस्टिफाइड नहीं कर पाए। ना इनका बैटिंग से परफॉर्मेंस आया, ना इनका गेंदबाजी से परफॉर्मेंस आया। इनसे उम्मीदें थी कि ये पूरे टूर्नामेंट में छा जाएंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की जीत दिलाने में, उन्हें आगे पहुंचाने में इनका योगदान नहीं आया, और इसीलिए इन्हें रिलीज किया जाएगा। दूसरा बड़ा कारण इन्हें रिलीज करने का यह है कि शायद ये पूरे टूर्नामेंट में भी नहीं खेलेंगे, तो इन्हें 12.5 करोड़ रुपए इस साल देने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है जब ये पूरे टूर्नामेंट ही नहीं खेलेंगे, तो भाई इसीलिए इनका रिलीजेशन, इनका बाहर जाना लगभग तय है। दोस्तों दूसरे खिलाड़ी जो राजस्थान की तरफ से रिलीज होने वाले हैं वो है जयदेव उनटकट। जयदेव उनटकट को 11.5 करोड़ रुपए दिए थे राजस्थान की टीम ने, उन्हें पिछली परफॉर्मेंस के दम पर इतने पैसे मिले थे, मतलब बहुत सारी टीमों ने इन पर बिडिंग की थी, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा। सबसे पहले तो ये जो शुरुआती अपर ऑर्डर रहता है विरोधी टीम का, उसको ध्वस्त करने में नाकाम रहे। 15 मैचेस करीब इन्होंने खेले, 11 विकेट लिए, सिर्फ छल्ले बल्लेबाजों के जो विकेट थे वो ज्यादा थे। ये किसी भी तरह से अपनी प्राइस को जस्टिफाइड नहीं करते, और इसीलिए राजस्थान की टीम इतना पैसा अपने पर्स में लेना चाहेगी और इस खिलाड़ी को जरूर रिलीज करेगी। दोस्तों तीसरे खिलाड़ी जो कि एक युवा खिलाड़ी थे और बहुत बड़ी पिक थे 2018 की, लेकिन इस साल रिलीज हो जाएंगे, वो है कृष्णप्पा गौतम। 6.2 करोड़ रुपए दिए थे कृष्णप्पा गौतम को एक सीजन आईपीएल खेलने के। इनसे उम्मीदें थी कि वो एक ऑलराउंडर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। 15 मैचेस खेले, सिर्फ 11 विकेट लिए, कोई ऐसी बल्लेबाजी भी इन्होंने नहीं की, इक्का दुक्का मैचों को छोड़ दिया जाए जिसमें ये अपने प्राइस को जस्टिफाइड करते हुए नजर आए हों। और 6.2 करोड़ रुपए सीरियसली इनके लिए जरूरी नहीं है इस बार की नीलामी में, और इसीलिए भाई इनका रिलीज होना लगभग कंफर्म्ड है। इन्हें तो पक्का रिलीज करेंगे ताकि इतने पैसे राजस्थान को उनके पर्स में वापस मिल जाए। दोस्तों चौथे खिलाड़ी जो कि रिलीज होने वाले हैं, जो कि बिग बैश लीग के सुपरस्टार थे 2018 में, वो है डार्सी शॉट। डार्सी शॉट को दोस्तों 4 करोड़ रुपए दिए थे राजस्थान रॉयल्स की टीम में, बड़े ही महंगी अमाउंट में प्राइस में इन्हें खरीदा गया था, लेकिन ये अपनी बल्लेबाजी से और थोड़ी बहुत जो वो गेंदबाजी करते उससे भी ये कमाल नहीं कर पाए। ज्यादा मैचेस फिर इन्हें आखिरी तक पहुंचते दिए भी नहीं गए खेलने के लिए, इसीलिए रिलीज होने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर साउथ अफ्रीका में आईपीएल होता है तो डार्सी शॉट एक अच्छा एसेट हो सकते हैं, लेकिन इतने पैसे फिर भी राजस्थान की टीम उन्हें नहीं देना चाहिए और इसीलिए इन्हें रिलीज जरूर किया जाएगा, लेकिन राजस्थान की टीम जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें इन्हें कम पैसों में एक बार और खरीदने का ट्राई जरूर करेगी। दोस्तों पांचवे और आखिरी खिलाड़ी जो कि रिलीज हो सकते हैं राजस्थान की तरफ से, वो है धवल कुलकर्णी। धवल कुलकर्णी को अराउंड 75 लाख के करीब जो है पैसे मिले थे 2018 में जो ऑक्शन हुआ था, उसमें ये एक तेज गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं, लेकिन आईपीएल में पिछला 5 साल अगर हम उठा के देख ले तो धवल कुलकर्णी ने उतना खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है। पिछले साल भी इन्होंने 8 मैचेस खेले, सिर्फ 4 विकेट लिए थे। राजस्थान के लिए ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं थी। हालांकि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम इन्हें एक बार फिर से नीलामी में लेना चाहेगी, लेकिन शायद और कम कीमत पे लेना चाहे, और इसीलिए इन्हें भी पक्का है, कंफर्म है कि रिलीज किया जाने वाला है। सो दोस्तों ये तो थी मेरे वो 5 पिक्स, 5 खिलाड़ी जिन्हें रिलीज किया जाएगा। अब इतने खिलाड़ी रिलीज हो जाएंगे तो राजस्थान के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, उनके पर्स में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार की नीलामी में भी सबसे महंगा खिलाड़ी खरीद सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। आप भी अपने 5 खिलाड़ियों के नाम बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।